ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है। यदि आप इसके मैग्मा से भरे केंद्र में गिर जाते हैं तो आपका शरीर तेजी से जलकर खाक हो जाएगा और उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। इसलिए जो चीज हमें नुकसान पहुंचाती है इसे खत्म करने में ये काफी कारगर साबित हो सकता है, तो फिर हम अपने कचरे से छुटकारा पाने के लिए हम उनको ज्वालामुखी में क्यों नहीं फेंकते और क्यों किसी ने इसे पहले ही नहीं किया? तो हम कचरे को ज्वालामुखी तक कैसे पहुंचाएंगे? अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर ले, हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अकेले भारत में हर साल 70 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है और इतने कचरे को डंप करना इतना आसान नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। भले ही हमें लगता है कि ज्वालामुखी कचरे को भस्म कर देगा, लेकिन वास्तव में ये बहुत अधिक खतरनाक और स्थिर नहीं है, जिन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। क्या इस तरह से छुटकारा पाना सही होगा और कचरे को यूं ही ज्वालामुखी में फेंकना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? आज हम इन सवालों के जवाब जानेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा वॉल्केनो ढूंढना होगा जिसमें कि कचरा डाला जा सके, लेकिन हमारी पूरी दुनिया में सिर्फ 1500 एक्टिव वॉल्केनो है, जिसमें से ज़्यादातर हम इंसानों से काफ़ी दूर मौजूद हैं, जिसका मतलब साफ है कि कचरे को वॉल्केनो तक पहुँचाना काफ़ी महंगा होगा। और एक बार वहाँ पहुँचने पर हमें पता चल सकता है कि क्या ये सही प्रकार का ज्वालामुखी है जो हमें चाहिए कचरे को डंप करने के लिए। जिस तरह के ज्वालामुखी की हम तलाश कर रहे हैं उसे शील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है। यह ज्वालामुखी धीमी गति से फैलता है जिसमें लावा झील होती है और ये हम इंसानों को खतरा नहीं पहुँचाते। दुर्भाग्य से ये ज्वालामुखी आमतौर पर नहीं मिलते, लेकिन आपको एक दूसरी तरह का ज्वालामुखी जिसे स्ट्रेटो वॉल्केनो कहा जाता है वो काफ़ी प्रचलित है। स्ट्रेटो वॉल्केनो अपने खतरनाक विस्फोटों के लिए जाना जाता है, जो गर्म गैस और मैग्मा के दबाव से निर्माण होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो डंपिंग के लिए ये सुरक्षित स्थान नहीं है, लेकिन हम खुद को एक भाग्यशाली व्यक्ति मान सकते हैं कि शील्ड ज्वालामुखी प्राप्त करना इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या हमें अपना कूड़ा ज्वालामुखी में डंप करने का विचार सुरक्षित है जिससे हम ज्वालामुखी में कचरा फेंक सकें? 2002 में इथियोपिया के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ज्वालामुखी में 30 किलोग्राम कचरा फेंका और इसके परिणाम विस्फोटक थे। लावा अपने संतुलन को खो चुका था। लावा में कुछ ठंडी चीज़ों के कारण उनमें एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया जिससे लावा में विस्फोट होना शुरू हो गया। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर पूरे देश का कचरा वहाँ फेंक दे तो कितना बड़ा विस्फोट होगा? खैर, इसे देखते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने हवाई की एक लावा झील में कुछ पत्थर डाले तो उनमें 85 मीटर तक विस्फोट हुआ। तो ये साफ है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो ये काफ़ी घातक और खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप सुरक्षित रूप से ज्वालामुखी में कचरा फेंकते हैं तो भी आपको सभी प्रकार के पॉल्यूशन जैसे एयर पॉल्यूशन के बारे में चिंता करनी होगी। और सभी मटेरियल्स लावा में नहीं जलते, जो कि बाद में ये सारी चीज़ें लावा बाहर फेंक देगा और ये बाद में पॉल्यूशन क्रिएट करने लगेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन और हमें सांस लेने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। इसलिए हम अपने कचरे को यहीं वॉल्केनो में नहीं फेंक सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।